राज सर, सबसे पहले बताइए कि गाना किस तरह का होने वाला है, क्या कुछ ऑडियंस को देखने मिलेगा इस गाने में? देखिए, एक रोमांटिक गाना है और बहुत प्यारी सी मेलोडी है उसकी, और हम कहेंगे कि मतलब सूदिंग सा टची फील है। वैसे भी वीडियो है, एक सॉफ्ट कपल जो है छुट्टी मनाने नहीं गया हुआ है, तो उसकी कहानी है कि आपने मैरिज हनीमून पे निकले हैं, नहीं नहीं एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और उतना ही शिद्दत से सलमान भाई ने इसे गाया है और बहुत अच्छा साउंड है। इसे प्रोड्यूस किया म्यूजिक प्रोड्यूस आदित्य देव ने किया है, और दिव्य अग्रवाल जी ने इतनी शिद्दत बहुत प्यारा लिखा है इस गाने को, तो सपोर्टिंग ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप भी जब सुनेंगे तो आपको ये फील होगा। सर, सलमान क्यों इस गाने के लिए? देखिए, ये सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा भी है और बहुत मुश्किल भी है, दोनों ही है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप जब गाना कंपोज करते हो तो गाना तो पता रहता है कि आपका सिंगर कौन है, तो पहली नज़र में हमें ये लगा कि सलमान भाई इसे बहुत अच्छा करेंगे, और जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा किया। सलमान भाई, आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा गाने का, और थोड़ा सा बताइए आपके अंदाज में कि गाना कैसा रहा? भाई देखो, मैं सच बताऊँ तो ये गाना मेरे इतने दिल के करीब हो गया ना, मैंने जब ये गाना सुना ना तब से ही मेरे दिल में उतर गया था। तो आज मैंने इस गाने को ना इस हिसाब से बनाया, इस हिसाब से तैयार किया है कि बस हमें तो गाना है, बाकी तो सारी मेहनत तो इनकी है। सच बताओ तो देखो क्या होता है कि हर एक गाने के पीछे ना देखने वाला सबकी मेहनत होती है। हमारा काम तो गाने का होता है, सिर्फ स्टूडियो में दो घंटे में चलिए, वो म्यूजिक का हीरो तो सिंगर ही होता है। नहीं सर, इस गाने को बनाकर आप लोग देते हो, तब जाकर हम इस गाने को गाते हैं, तब जाकर इस गाने में जान डालते हैं, जान तो पूरी आप लोग इस गाने की। तो ये गाना बहुत ही खूबसूरत गाना है, और जब मुझे ये गाना आया था तो मुझे पता लगा कि है मुझे गाना तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यार इतना खूबसूरत गाना है, क्योंकि इस गाने में फील बहुत है, बहुत ठहराव के साथ है, बहुत ठहराव के साथ, बहुत फील के साथ है। आप कहीं दूर जा रहे हो और गाड़ी में चला दो, बस आप ना बस इंजॉय करते जाओ गाने को। बस जैसे मैंने बोला कि हनीमून पे जा रहे हो तो बस ये गाने सुनते रहो। तो बहुत सारा गाना है, राज भाई के दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ये गाना मुझे, मेरी खुशनसीब है कि ये गाना मुझे प्रीति जी, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा गाने के साथ और सलमान और राज के साथ? थोड़ा सा अगर आपके कैरेक्टर के बारे में बताएं, किस तरह का कैरेक्टर होगा गाने में? न्यूली मैरिड, एक दूसरे की आदतों को कैसे आप प्लेयर अंदर एक दूसरे को राइट। और आपने मतलब पिछले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, टेलीविजन में भी, अब वेब शोज भी आने वाले हैं, तो क्या थॉट प्रोसेस होता है जब किसी भी चीज़ को आप चुनते हो या फिर साइन करते हो? सर, बुलमैन रिकॉर्ड्स के अब नए प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे इस गाने के बाद, यानी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? जी, बुलमैन रिकॉर्ड्स के लास्ट जो गाना था तुमच का, देन सलमान भाई का गाना, इसके बाद जो गाना है मुझे छान का है, पॉपुलर है, काफी लाइन करता है, रिश्ते करता है काफी, और फिर सलमान भाई का भी नेक्स्ट है साथ में, इसमें टीचर हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। आपके नेक्स्ट एल्बम के बारे में तो बता दिया, अगर दो लाइनें हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। भाई देखो, हम तो अपने जो हमारा चल रहा है इसी के बारे में दो लाइन यस। जब देखा खुद को आईने में, जब सोचा खुद को मेरे ज़हन में, नादान दिल मेरा करता है नादारिया,
जब सच चले परवान, तो समझो इश्क हो गया, तो समझो इश्क हो गया, तो समझो इश्क हो गया, तो समझो इश्क हो गया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। पहले हमें बताइए आपकी जर्नी के बारे में, आपके बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। सर मेरा पूरा नाम अक्षय नाथ है। मेरा पहला गाना सीरीज का अपने शायद आदतन पाया है। अभी मेरे बहुत नेक्स्ट सिंगर कौन इंस्पायर करता है? और आने वाले कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? ऐसा कोई एक्टर है जिसके लिए आप प्लेबैक करना चाहते हो इन फ्यूचर? नहीं आवाज आ जाएगा ना। So, can you sing two lines for the audience? Any of your favorite songs? फिर बेकरारी कैसी है, समारे समझता नहीं है, कुछ अपने बात कैसी है, पल भर न दूरी सहे नसीबी की आए कुछ और है। Thank you so much and all the best. Thank you. आइए सर आपके ही ना। ओके सर थैंक्स सर।